जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग? मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। इतने कम लोग क्यों हैं? 10 स्टूडेंट्स आर ओनली देयर, इनफैक्ट 9। आप लोग ग्रुप में मैसेज करो कि मतलब अपना लेक्चर ज्वाइन करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। 5 मिनट तक मैं और वेट कर रही हूँ, आप अपने ग्रुप में मैसेज करो कि सब लोग ज्वाइन करें अपना लेक्चर, ठीक है?
हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे? अच्छा, मेट के सिलेबस का पता चल गया था ना सबको? जी मैम। अच्छा, लास्ट टू जो आपकी एक्टिविटीज हुई है उसको मैं दोबारा से रिवाइज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोगों ने एक दूसरे को कॉपी पेस्ट किया होगा, पढ़ा नहीं होगा ना, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर किए होंगे। ठीक है, तो लेक्चर जो है समझ नहीं किया, ठीक है, वो मैं जो है दोबारा से आप लोगों के वो हम क्लासेस जो है वो रखेंगे दोनों लेक्चर्स की। ठीक है, ओके मैम। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए, वो एक थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, तो मुझे यही था कि आप लोग पहले खुद एक दफा पढ़ लो, आप लोग गो थ्रू करो, उसके बाद मैं इसको रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, तो उसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। मिड के सिलेबस में कोई मसला तो नहीं है? नो मैम, मैम हमारा वैसे सिलेबस अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अभी नेक्स्ट टू क्लासेस हमारी वो ये वाली होंगी जो पिछले लेक्चर्स हैं, क्लास एक्टिविटीज वाले, उसके बाद आप लोगों की रिवीजन क्लास होगी। मिड के मिड से पहले अगर कोई क्लास रहती हो तो उसमें आप कोई भी टॉपिक, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है मिड के सिलेबस में, तो आप लोग वो समझ लेना। ठीक है, फिर एक दो लेक्चर जो है वो मिड से बाद आपके होंगे बाकी जो है। ठीक है, और आप लोगों के एक असाइनमेंट रहती है, वो असाइनमेंट भी आप लोगों के मिड्स के बाद होती है। ओके मैम। हाँ जी, फिर लेक्चर स्टार्ट करें। मैम वो आपसे एक बात पूछ रही थी। कोई और क्वेश्चन है तो पूछो आप लोग, कोई और मसला है या कुछ भी। मैम ये फिजियोथेरेपिस्ट लाइफस्टाइल साइंसेस में डाल दिया जी। मैम फिजियोथेरेपिस्ट को अलाइड हेल्थ साइंसेस। हाँ जी, डीपीटी जो है डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, ये अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर एसएचएस में ही हो रहा है। मैम हमारी लेवल जी, मैम हमारी सब की लेवल में काउंसिल है आई थिंक, सो डीपीटी वालों की मैम नहीं है काउंसिल। आई एम पूरी अलाइड, बेसिकली मैं तो मेडिकल एडवोकेट से मुझे उसका है कि मतलब हमारी अलाइड वालों के अभी तक जो है लहजा सेपरेट जो है वो नहीं बनी, इसके ऊपर काफी वो हो रहे हैं आजकल जो है डिफरेंट मीटिंग्स, उसमें जो है एक प्रॉपर अब आ रहा है कि थोड़ा कुछ अर्से में इसको जरूर डेवलप किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो हमारी काउंसिल जो है वो नहीं बनी अलाइड। ले स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर। ये सिस्टम पे जो है पावर पॉइंट खुल नहीं रहा। ठीक है, इस तरह से सबको क्लियर नजर आ रहे हैं? मैम नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी सब लोग कहाँ पे, सब सोए हुए हैं क्या मतलब? हाँ जी बच्चों, सोए हुए हैं सब लोग? आवाज नहीं आ रही आपकी। तो है मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज रिपीट हो रही है बहुत ज्यादा। मेरी आवाज फिट नहीं आ रही मैम? काफी दफा रिपीट होती है आपकी आवाज। नेटवर्क का कोई इशू होगा, अदरवाइज पहले तो मैंने पहला लेक्चर भी लिया इधर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं था बच्चों को? तो मैम इको हो रही है, वो आवाज ना गूंज रही है। अच्छा, एक्चुअली वो क्लासरूम में ले रही हूं ना, क्लासरूम खाली है इस वजह से शायद। यस मैम। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है बेसिकली हमारी एक टेक्निक पे डिपेंड, टेक्निक पढ़ेंगे हम उसमें, ब्लॉटिंग टेक्निक्स बेसिकली।
है ब्लॉटिंग या ब्लॉट जो है ये टेक्निक क्या है कि इसमें हम जो भी हमारा रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल है या रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको सैंपल से सेपरेट करते हैं, फिर उसको एक डिफरेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच करवाते हैं, फिर उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोगों को आइडिया है, हमने ग्रीन पढ़ा हुआ है, पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? मैम जरा दोबारा पूछिए। हाइब्रिडाइजेशन जो है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें जो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो फ्यूज होके बनाते हैं ऑर्बिटल्स। अब की आवाज भी ठीक है बेटा? मैम दो कंप्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होते हैं ना वो आपस में जब कंबाइन करते हैं उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अरे दो डिफरेंट सीक्वेंस जो है कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस जब एक दूसरे से अटैच करते हैं तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ब्लॉटिंग टेक्निक में भी बेसिकली इसका की प्रोसेस जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है। तो ब्लॉट्स और इसमें हम मॉलिक्यूल जो सेपरेट करते हैं वो डीएनए आरएनए या प्रोटीन हो सकती है। ठीक है, मतलब उनको हम रिक्वायर्ड अपने डीएनए आरएनए या फिर प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, फिर उनको जो है वो डिटेक्ट करते हैं बाय हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। ब्लॉट्स आर टेक्निक्स फॉर ट्रांसफरिंग डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स ऑनटू अ कैरियर सो दे कैन बी सेपरेटेड एंड ऑफन फॉलोज द यूज ऑफ अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, कोई और स्टूडेंट है तो बेसिकली ब्लॉटिंग टेक्निक में हम करते क्या है कि इसमें पहले जो अपना रिक्वायर्ड मटेरियल है डीएनए आरएनए या प्रोटीन उसको जो है सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसके फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, उसके बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उनको जो है उनके साइज के अकॉर्डिंग जो है हम साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेते हैं, फिर उसको एक कैरियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, कैरियर मेम्ब्रेन जो है नाइट्रोसेलुलोज जो है मेम्ब्रेन होती है या नायलोन जो है मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर अटैच करके फिर उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं बाय द रेडियो लेबल प्रोब्स। ठीक है, वो प्रोब्स जो है हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल के जो है कम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो अपने कम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस पर जाकर अटैच हो जाएंगे। फिर अगर हमारा रिक्वायर्ड मटीरियल है या किस साइज का है वो हम चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग एक्सरेज और बाय यूजिंग केमिल्यूमिनेसेंस टेक्निक होती है कि उसमें हम केमिकल अटैच जो है प्रोब्स अटैच करके तो उनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं ऑन द मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो उनका साइज क्या है, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्लॉटिंग टेक्निक। अब हम जो अपना मटेरियल जो है सेपरेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका नेम जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इफ वी सेपरेट डीएनए बाय दिस टेक्निक दिस इज नोन एज सॉर्टन ब्लॉटिंग, सॉर्टन ब्लॉट। ठीक है, अगर हम आरएनए को डिटेक्ट कर रहे हैं देन इट इज मॉडर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, और अगर हम प्रोटीन्स के लिए ये टेक्निक यूज कर रहे हैं देन इट इज नोन एज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स की जो है टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं फॉर डीएनए आरएनए और प्रोटीन्स। फर्स्ट टेक्निक को हम डिस्कस करते हैं दैट इज सॉर्टन ब्लॉटिंग। सॉर्टन ब्लॉटिंग किसके लिए यूज होती है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम जो है 1975 में डेवलप हुई बाय द साइंटिस्ट एडविन सॉर्टन। इसी की नेम की बेस पे इस टेक्निक को हम सॉर्टन ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, और इसी पे जो है ये बहुत यूजफुल एक टेक्निक साबित हुई और इसकी पब्लिकेशन जो है प्रॉपर हुई, सबसे हाईएस्ट साइटेड जो है पब्लिकेशन चाहिए, और 2005 में तो इस साइंटिस्ट को जो है इसकी बेस पे अवार्ड दिया गया। अब ये इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्या चीजें इसमें, दिस मेथड इन्वॉल्व्स थ्री टेक्निक्स बेसिकली सेपरेशन ट्रांसफर एंड हाइब्रिडाइजेशन। हमने पहले डिस्कस किया है कि हम अपने रिक्वायर्ड जेनेटिक मटीरियल को या रिक्वायर्ड मटीरियल को सबसे पहले सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद हम
जेल से जो है उसको ट्रांसफर करते हैं टू द कैरियर मेम्ब्रेन. कैरियर मेम्ब्रेन जो है वो कोई भी हो सकती है, दो डिफरेंट यूज करते हैं. उसके बाद जब हम उसको कैरियर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर लेते हैं अपने रिक्वायर्ड जेनेटिक मटीरियल्स को या फ्रेगमेंट्स को, तो उसके बाद हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं. हाइब्रिडाइजेशन में हम उसके साथ रेडियो लेबल प्रोब्स को जो है वो अटैच करवाते हैं. तो फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम उसकी डिटेक्शन कर लेते हैं कि हमारे फ्रेगमेंट्स जो हमारे आए हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन हुई है वो प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर हैं तो वो किस साइज के हैं या फिर उनका सीक्वेंस क्या है. तो दीज थ्री आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक्स. कोई भी हो, वो साउथर्न हो, वेस्टर्न हो या नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक हो, उन सब में तीन ये बेसिक स्टेप्स यूज होते हैं, सेपरेशन, ट्रांसफर एंड हाइब्रिडाइजेशन. द साउथर्न ब्लॉट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए. ठीक है, मतलब साउथर्न ब्लॉटिंग जो है डीएनए के लिए यूज होती है. उसके लिए हम कोई भी जो है डीएनए डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. वो कोई सिंगल जीन भी हो सकती है या इट कैन बी अ पार्टिकुलर या एक लार्जर सेगमेंट भी हो सकता है, मतलब मोर देन वन जीन. द की टू दिस मेथड इज हाइब्रिडाइजेशन. आपने जितनी भी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स पढ़ी हैं उस सब में जो की प्रोसेस है वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस ही है. हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि मतलब दो जब सीक्वेंस जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अटैच होते हैं, उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. तो जितने भी मॉलिकुलर टेक्निक्स हैं उन सब में की प्रोसेस जो है हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बिटवीन अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब. ठीक है, क्योंकि हम इसमें डबल स्ट्रैंडेड बनते हैं. हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जब दो सिंगल स्ट्रैंडेड मिलकर डबल स्ट्रैंड बना रहे हो, तो इसमें एक सिंगल स्ट्रैंड जो होगा वो प्रोब का होगा, जाके वो अटैच हो और फिर हम डिटेक्शन कर सकें, और एक सिंगल स्ट्रैंड जो है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होगा, वो डीएनए आरएनए या प्रोटीन जिसमें हम जो भी डिटेक्ट करेंगे. इसमें अभी हम साउथर्न ब्लॉटिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें डीएनए होगा. ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है कि जब दो कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच करते हैं तो उसको हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस. स्टेप्स क्या है, बेसिक स्टेप्स वही है. ठीक है, मतलब क्या है, सेपरेशन, ट्रांसफर एंड हाइब्रिडाइजेशन. इसकी डिटेल में क्या है कि हम किस तरह से इसका जो है पूरी टेक्निक किस तरह से करते हैं. सबसे पहले जो डीएनए हमने एनालाइज करना है, ठीक है, अगर हमने उस डीएनए में से कोई स्पेसिफिक जीन भी करनी है या उसका कोई पार्ट करना है, तो उस डीएनए को पहले हम सैंपल में से सेपरेट करेंगे. ठीक है, डीएनए सेपरेशन होगी. उसके बाद उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करेंगे. ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, सेगमेंट्स बना देंगे उसके. अब इन फ्रेगमेंट्स को जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिन पे अप्लाई किया है और हमारे पास फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, तो फिर हम इन फ्रेगमेंट्स को जो है सेपरेट कर लेते हैं बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पढ़ा था कि वो क्या करती है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस सेपरेट कर देती है. अब मोबाइल क्यों यूज कर रही क्लास में, कौन तो फ्रेगमेंट्स को सबसे पहले हमने अपना डीएनए सेपरेट किया, उसके बाद इंस्ट्रक्शन एंजाइम्स के थ्रू उसके फ्रेगमेंट्स बनाए, फिर इन फ्रेगमेंट्स को जो है हम अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस सेपरेट किया. एक्सक्यूज मी मैम, आपकी क्लास कहां पर जी 101 में हो रही है. SHS 101. तो फिर हम उन फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की द्वारा जो है सेपरेट कर लेंगे. अब हमारे पास हमारे फ्रेगमेंट्स जो जेल के ऊपर आ गए, ठीक है, फिर हम जेल से जो है ये फ्रेगमेंट्स ट्रांसफर करेंगे टू द कैरियर मेम्ब्रेन. अब वो कैरियर मेम्ब्रेन जो है वो नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर हो सकता है या फिर वो नायलॉन मेम्ब्रेन हो सकती है. और ये जो ट्रांसफर होगा इसके लिए हम जो है एक प्रॉपर जो है बफर यूज करते हैं. ठीक है, ट्रांसफर टैंक होते हैं, बेसिकली ब्लॉटिंग टैंक कहते हैं, उसमें हमारा बफर होता है और बफर में जो है वो एल्कली होती है ताकि जो है उसकी प्रॉपर ट्रांसफर जो है वो हो सके फ्रेगमेंट्स की टू द कैरियर मेम्ब्रेन. उसके बाद हमारी जब ट्रांसफर हो जाएगा टू द कैरियर मेम्ब्रेन, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जिस फिल्टर पे या जिस मेम्ब्रेन पे हमने उसको ट्रांसफर किया है उसको हम इंक्यूबेट कर देंगे विद हाइब्रिडाइजेशन जो है रेडियो लेबल डीएनए प्रोब्स. ठीक है, डीएनए प्रोब्स के साथ ही हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, प्रोब्स के साथ.
तो उसके साथ हम जो है उसको इंक्यूबेट कर देंगे. इंक्यूबेट मतलब एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम उसको रख देंगे, ठीक है, फॉर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक. इस इंक्यूबेशन में क्या होगा कि ये जो डीएनए प्रोब्स हमारे पास उसमें थे, उस स्टैंप में, वो अटैच हो जाएंगे टू द कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस या कम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स. उसके बाद जो है जो एक्सेस प्रोब्स होंगे जो अटैच नहीं होगी किसी भी अपने फ्रेगमेंट्स के साथ, उनको हम वॉश कर देंगे. ये वॉशिंग बेसिकली क्यों करते हैं एक्सेस प्रोब्स को, क्योंकि प्रोब्स रेडियो लेवल्ड हैं, उनको जब भी हम एक्सरे के नीचे देखेंगे तो वो फ्लोरिसेंट शो करेंगे, ठीक है. तो अगर वो अटैच नहीं भी हैं पर वो उस मेम्ब्रेन पर अटैच हैं तो वो फिर शो होंगे, इस वजह से रिजल्ट हमारा कॉम्प्रोमाइज होगा. इसलिए हम जो एक्सेस प्रोब्स हैं जो अटैच नहीं हुए हुए विद द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, उनको वॉश ऑफ कर देंगे. एंड द प्रोब बाउंड टू द फिल्टर इज डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी. ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है कि हम उसमें रेज यूज करके एक्सरे फिल्म पे जो है उनका रिजल्ट शो होता है, इसके बैंड्स बन जाते हैं, ठीक है. और इस पैटर्न को ऑटो रेडियोग्राम कहते हैं. जो पैटर्न हमारे पास आएगा ना ऑटो रेडियोग्राफी के बाद, उसको ऑटो रेडियोग्राम कहते हैं और इस टेक्निक को ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं. एंड इट रिवील्स द डीएनए फ्रेगमेंट्स टू विच द प्रोब हाइब्रिडाइज. These are the steps basically, ठीक है. Southern और जो है Northern blotting जो है basically ये same steps सबके same है, ठीक है. सिर्फ ये है कि इसमें हम DNA detect कर रहे हैं, Northern में जो है हम RNA detect करेंगे. तो steps क्या है, basically हम DNA या RNA जो हमने separate करने हैं उसके fragments को हम पहले electrophoresis करेंगे, separate करेंगे, ठीक है. ये हमारे पास separated fragments आ गए on gel. इसके बाद इसको हम transfer करेंगे to the carrier membrane by using specific conditions. उसमें हमारे पास proper जो है buffer हम use करते हैं, sponge नीचे रखते हैं, उसके बाद gel हमारी होती है जिसके ऊपर हमारे पास fragments होते हैं, उसके ऊपर जो है हमारी carrier membrane होती है. carrier membrane दो तरह से हम use कर सकते हैं, nitrocellulose filter paper या फिर nylon जो है membrane use कर सकते हैं. उसके बाद sponge जो है paper towels होते हैं, और ये buffer जो है basically इसकी transfer में जो है help करेंगे, ठीक है. जब ये ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये हमारे पास इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है हमारे पास सारे फ्रेगमेंट्स जो इस पे थे हमारी इस फिल्टर पेपर या इस मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे. जब ये ट्रांसफर हो गया अब क्या प्रोसेस आएगा, हाइब्रिडाइजेशन. कि हम जो रेडियो लेबल्ड प्रोब्स हैं उसका रिएक्शन कराएंगे टू दिस फ्रेगमेंट्स. जो फ्रेगमेंट्स जो प्रोब्स अटैच हो जाएंगे वो अपने जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाएंगे, एक्स्ट्रा जो है वो हम वॉश कर देंगे ताकि हमारे रिजल्ट जो है कॉम्प्रोमाइज ना हो. उसके बाद हम जो है एक्स्ट्रा फिल्म पे जो है वो हमारा रिजल्ट शो करते हैं बाय यूजिंग रेज या फिर कैमिल्यूमिसेंस टेक्निक, ठीक है. तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न शो होता है. दीज आर आर रिक्वायर्ड मटीरियल, ठीक है. अब ये हमारे पास जो है ये मार्कर्स हैं. अब ये इस तरह से हमें पता चल गया कि ये हमारे रिक्वायर्ड मटीरियल भी सैंपल में था या रिक्वायर्ड जीन भी थी और उसका साइज क्या था. तो जिस मार्कर जो है अकॉर्डिंग टू देयर साइज हम ये कमर्शियली प्रीपेड ऐड करते हैं. तो इस तरह से हम अपना रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल जो है सेपरेट कर सकते हैं और फिर उनका साइज और जो है वो सारी चीज़ें जो है इस टेक्निक के थ्रू चेक कर सकते हैं. सो दिस इज द सॉर्टन ब्लॉटिंग या ब्लॉटिंग टेक्निक. नेक्स्ट है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सॉर्टन ब्लॉटिंग. इसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो जितनी भी मॉलिकुलर की जो है बेसिक टेक्निक्स हैं वो रिसर्च की हैं या वो डिटेक्शन की हैं डिजीज डायग्नोसिस में, उन सब में सॉर्टन ब्लॉटिंग या ब्लॉटिंग टेक्निक्स यूज हो रही है. दीज आर यूज इन सेवरल मेन एरियाज इंक्लूडिंग जीन डिस्कवरी, जीन मैपिंग, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज, डायग्नोस्टिक्स एंड फोरेंसिक्स, ठीक है. जितनी भी मॉलिक्यूलर की ब्रांचेस हैं उन सब में यूज हो रही है. जी जीन मैपिंग के एक जो है एक पर्सन की जीन्स जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं, मतलब पूरे डीएनए में जो है कितनी जीन्स हैं और वो पर्सन टू पर्सन किस तरह से वेरी कर रही है, ठीक है. मतलब हो सकता है वो एक पर्सन में कम साइज की हो, एक में ज़्यादा वो एक्सप्रेस हो रही हो, ठीक है. इस तरह से ये सारा जो जीन स्ट्रक्चर एक पर्सन का लिया जाता है उसको जीन मैपिंग कहते हैं. तो जितने ये जितनी भी बेसिक टेक्निक्स हैं मॉलिक्यूलर की उसको हम उस पर यूज करते हैं सॉर्टन ब्लॉटिंग टेक्निक. सॉर्टन ब्लॉट्स अलाउ इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट
जो हमारे पास फ्रेगमेंट सेपरेट हुए उनके मॉलिक्यूलर वेट्स हम देख सकते हैं और इनके रिलेटिव अमाउंट्स जो है इन डिफरेंट सैंपल्स वो चेक कर सकते हैं. रिलेटिव अमाउंट का क्या मतलब है कि मतलब एक जीन जो है दो पर्सन की जैसे हमने सैंपल लिया तो उसमें एक रिक्वायर्ड जीन हमने डिटेक्ट कर लिया तो वो सेम थी उनका सीक्वेंस सेम था जब उनका डिफरेंट था वो एक ही लेवल से एक्सप्रेस कर रही हैं दोनों पर्सन में और या वो डिफरेंट वे से एक्सप्रेस हो रही हैं उन दो पर्सन में. ठीक है तो इन चीज़ों को इनके रिलेटिव अमाउंट्स को जो भी हमारे रिक्वायर्ड मटीरियल है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉर्टर ब्लॉटिंग. सॉर्टिंग ब्लॉट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर बिट ऑफ डीएनए और कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन हमने डिटेक्ट करनी है तो वो भी हमें पता चल जाएगी. अगर वो होगी तो हमारा जो है वो उसका प्रोब जो है वो शो हो जाएगा या उसका रिक्वायर्ड बैंड जो है वो शो हो जाएगा. एनालाइज़ द जेनेटिक पैटर्न विच अपीयर इन अ पर्सन्स डीएनए. एक पूरे डीएनए का जो जेनेटिक पैटर्न है वो चेक किया जा सकता है. It can be used in fingerprinting, genetic engineering and forensic sciences for tests. Tests के लिए किस तरह से? For example, अगर हमने genetically modified organism की बात की थी, ठीक है वो क्या होते हैं? Genetically modified organisms क्या होते हैं? जिसमें हम कोई required trait insert करते हैं, ठीक है required अपनी characteristic insert करते हैं, modify करते हैं उसके genome को. तो इस टेक्निक के थ्रू हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि वो रिक्वायर्ड जीन जो है उसके जीनोम का पार्ट बन गई है या नहीं बना. ठीक है वो हम उस जीन को उसके जीनोम में होस्ट जीनोम में जो है वो रिक्वायर्ड जीन जो है डिटेक्ट कर सकते हैं. सो इट कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग प्रोसेस कि एक हमारी जीन जो है वो इंसर्ट हो गई है या नहीं हो गई इंसर्ट. नेक्स्ट है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग. साउथर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में डिफरेंस क्या है कि वो डीएनए के लिए यूज हो रहा है और ये क्या है आरएनए के लिए यूज हो रहा है. अदरवाइज बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस. इट इज डेवलप्ड इन 1977. वो कितने में थे 1975. उसके बाद ये दो साल के बाद आरएनए के लिए भी यूज की जाने वाली की जा रही थी और ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है इसको डिस्कवर किया था. लेकिन इसका नेम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्यों रखा क्योंकि पहले साउथर्न ब्लॉटिंग था उसका तो उसकी एनालॉजी को मेंटेन रखने के लिए इसका नेम जो है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग रखा. स्टेप्स क्या है सेम है. बेसिक स्टेप्स कौन से थे सेपरेशन ट्रांसफर हाइब्रिडाइजेशन. इसमें भी वही है आरएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम सेवरल बायोलॉजिकल सैंपल्स. जो भी आपका सैंपल है उसमें से आप आरएनए को आइसोलेट कर लेते हो. RNA is more susceptible to degradation from DNA. क्यों? क्योंकि sequence pending है ना क्योंकि DNA का structure कुछ नहीं होता है. DNA is a more stable material, है ना क्योंकि उसमें deoxyribose sugar होती है. deoxyribose जो है वो easily जो है degrade नहीं होती. इसलिए अब मैं ये बड़ा था कि DNA जो है more stable जो है मॉलिक्यूल है एज कम्पेयर टू आर एन ए. तो इस वजह से आर एन ए जो है इजीली जो है डिग्रेड किया जा सकते हैं उसके फ्रेगमेंट्स जो है वो इजीली बनाए जा सकते हैं. उसके बाद ये आर एन ए को हमने सेपरेट कर लिया. देन सैम्पल्स आर लोडेड ऑन जेल. उसको हम अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेगमेंट्स जो हमने बनाए उनको अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस जो है जेल इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस के थ्रू सेपरेट कर लेंगे. उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे जेल इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस से फ्रेगमेंट्स को अपनी कैरियर मेम्ब्रेन पे. The gel is then blotted on a nylon membrane or nitrocellulose filter paper by creating the sandwich arrangement. वो ही कि उसके जो है proper जो है tank है blotting tank उसमें buffer होते हैं और जो है उसका sponge papers और सारी एक proper sandwich arrangement होते हैं. उसके बाद transfer के बाद hybridization का process होगा. The membrane is placed in a dish containing hybridization buffer with a labeled probes. ठीक है तो ये probes के साथ हम इंक्यूबेट कर देंगे. प्रोब्स जो है अपने कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आरएनए सीक्वेंस के साथ जाके अटैच हो जाएंगे. द मेम्ब्रेन इज वॉश टू रिमूव अनबाउंड प्रोब्स सो दैट आवर रिजल्ट आर नॉट कम्प्रोमाइज्ड. उसके बाद इसकी डिटेक्शन होगी. डिटेक्शन किस तरह से होगी बाय यूजिंग जो है ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक या फिर कैमिल्यूमिसेंस. ठीक है ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है कि उसमें हम रेज यूज करते हैं. ठीक है रेज यूज करके हमारा पैटर्न जो है एक्स्ट्रा फिल्म पे आएगा. कैमिल्यूमिसेंस क्या आता है
कि उसमें हम जो मेम्ब्रेन पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है उसके बाद हम उस पर अटैच करेंगे केमिकली लेबल्ड प्रोब्स, ठीक है, तो उससे भी हमारा पैटर्न एक्सरे फिल्म पे ही आएगा और दोनों में बैंड्स ही शो होंगे, बस टेक्निक थोड़ी सी वेरिएबल होगी. The label probes is detected via autoradiography or via chemiluminescence reaction. In both cases, this results in the formation of a dark band on the X-ray film. This is the technique. Samples require, उसमें samples हम अपना required RNA extract करेंगे, इसके fragments बनाएंगे, फिर इन fragments को हम gel electrophoresis के through separate कर लेंगे, फिर इस gel से जो है हम इसको transfer करेंगे to the membrane, वो nylon membrane भी हो सकती है या फिर नाइट्रोसेलुलोज़ फिल्टर पेपर हो सकते हैं. उसके बाद हम जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे विद द रेडियो लेबल या कोई भी लेबल, फ्लोरेसेंट भी लेबल हो सकते हैं प्रोब्स, ठीक है, जो जो कुछ प्रोब्स अपने कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे अटैच हो जाएंगे, कुछ फ्री फॉर्म में होंगे तो उनको रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग करेंगे और फिर जो उसका रिजल्ट जो विजुलाइज कर लेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड मटीरियल होगा वो रिजल्ट शो होगा सिर्फ, बाकी सारे फ्रेगमेंट्स शो नहीं होंगे. क्यों? फ्रेगमेंट्स वॉश नहीं होंगे क्योंकि उनके साथ प्रोब्स ही अटैच नहीं हुए होंगे, प्रोब्स तो सिर्फ हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल के साथ अटैच होंगे ना, तो इसलिए जब हम उनको रेस के अंदर देखेंगे तो बाकी उनके साथ तो प्रोब्स अटैच नहीं हुए इसलिए वो शो नहीं होंगे, वो फ्लोरिसेंट नहीं करेंगे, इसलिए हमारे रिजल्ट तब सिर्फ वहाँ पे होगा जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई है, जहाँ पे प्रोब्स अटैच हुए हुए हैं तो हमारा रिजल्ट इस तरह से शो होता है. और ये पैटर्न जो शो होता है रिजल्ट का, इसको ऑटो रेडियोग्राम कहते हैं. एप्लीकेशन वही ये आरएनए की जितनी भी जो है डिटेक्शन है और उसका एक्सप्रेशन है उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं. अ स्टैंडर्ड फॉर द डायरेक्ट स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ मैसेंजर आरएनए. जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करती है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है, तो हम उसका एक्सप्रेशन एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है या वो एक जीन एक्सप्रेस हो ही नहीं रही तो हम मैसेंजर आरएनए उसका रिक्वायर्ड मैसेंजर आरएनए को डिटेक्ट करेंगे. तो इस तरह से हम किसी भी जीन का एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं और उसकी कि वो कितनी, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है या बहुत कम एक्सप्रेस कर रही है. तो ये सारी चीज़ें जीन एक्सप्रेशन के जितना भी है वो आप इस टेक्निक के थ्रू चेक कर सकते हैं. इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्ट साइज, उसका जो साइज कितना है, स्टडी आरएनए डिग्रेडेशन इजीली हो रही है नहीं, आरएनए स्प्लाइसिंग को चेक कर सकते हैं, आरएनए की हाफ लाइफ को चेक कर सकते हैं, आईआरईएस इंटरनल राइबोसोमल एंट्री साइट्स को चेक कर सकते हैं. आरएनए भी अटैच होता है ना राइबोसोम्स के साथ तो उसकी जो एंट्री कहाँ पे होगी उस सीक्वेंस को हम चेक कर सकते हैं. ऑफन यूज टू कन्फर्म एंड चेक, ठीक है, कि मतलब एक जीन जो एक्सप्रेस हो भी नहीं हो रही या मैसेंजर आरएनए नहीं बन रहा या क्या सीन है, उस सब को हम कंफर्म कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक नॉर्दर्न ब्लॉटिंग. नेक्स्ट, ये आज हमें इसलिए खोली हुई है आपको बताया नहीं मैंने क्योंकि पीपीटी नहीं खुल रही इस पे सिस्टम पे, ठीक है, इसलिए ईमेल से जो है डायरेक्टली खोली हुई. वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या टेक्निक है? प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, पहले हमने डीएनए, उसके बाद आरएनए एंड नेक्स्ट द प्रोटीन. सेंट्रल डॉग्मा भी यही होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन. वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है? डॉक्टर डॉगलेस जो है डॉगलेस लेक ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना उसमें डिपार्टमेंट में जो है सबसे पहले ये टेक्निक यूज की गई. और इसमें क्या है, प्रोटीन्स को हम सेपरेट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से, हम जेल इलेक्ट्रोफ्लोरोसिस के थ्रू पहले प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे. अब इसमें फ्रेगमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है, प्रोटीन्स तो डिफरेंट प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे तो वो प्रोटीन्स ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस जो है सेपरेट हो जाएंगे. फिर हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोटीन जो हमने करनी है उसके अगेंस्ट में हमने प्रोब्स जो है वो यूज कर लेंगे, वो डिटेक्ट हो जाएगा. A technique in which proteins are separated by gel electrophoresis and transferred to our membrane sheet. Separate करके transfer कर लिया. A specific protein is then identified through our reaction with a labeled antibody. अब जहाँ पे protein हमने पहले DNA RNA ही use कर रहे थे और उसके against उसका complementary probes. ठीक है, probes ही क्या होते हैं, वो sequence होता है, nucleotide sequence जैसे DNA या RNA में होता है, लेकिन protein sequence नहीं है. ठीक है,
प्रोटीन जहाँ पे ऐसे एंटीजन हम अटैच करेंगे, अब प्रोटीन को ऐसे एंटीजन ले रहे हैं तो उसके फिर रेडियो लेबल क्या होंगी, एंटीबॉडीज, ताकि एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है ना. तो इसमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग में रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडीज यूज होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन ऐसे एंटीजन अटैच हो. स्टेप सेम है, बेसिक स्टेप्स. प्रोटीन सैंपल इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेट हो जाएंगे प्रोटीन्स. इलेक्ट्रोब्लॉटिंग ट्रांसफर द सेपरेटेड प्रोटीन्स फ्रॉम द जेल टू द सर्फेस ऑफ कैरियर प्रोटीन, वो कैरियर मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन हो सकती है या कोई नाइलोन मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके बाद जिस मेम्ब्रेन पे जो है सेपरेट किया हमने उसको ब्लॉट भी कहा जाता है. ठीक है, जिस जेल पे उस ब्लॉटिंग को, ब्लॉट पेपर को जो है हम इंक्यूबेट कर देंगे विद द, इससे पहले यहाँ पे एक और स्टेप किया जाता है कि जो उस मेम्ब्रेन पे जो है एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं उसके साथ कोई भी जेनेरिक प्रोटीन्स जो है अटैच करवाते हैं. क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडीज हैं वो उस, अगर उस पे प्रोटीन अटैच नहीं होगी उस फ्री स्पेसिस पे, तो रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडीज है वहाँ पे जाके अटैच हो सकती हैं. ठीक है, तो वो रिजल्ट हमारा जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. इसलिए अगर हमारे कोई फ्री स्पेसिस हैं तो उसके साथ पहले हम कोई जेनेरिक प्रोटीन जो है उन फ्री स्पेसिस को फिलअप करने के लिए अटैच करवाते हैं. उसके बाद हम जो है एंटीबॉडीज जो है उसके प्रोसेस कराते हैं. हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में भी दो मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है. एन एंटीबॉडी दैट इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट is added to the nitrocellulose sheet and reacts with the antigen. Okay, only the band containing the protein of interest binds to the antibody, forming a layer of antibody molecule. So, इस तरह से हमारे पास वही result में आएगा जो हमारी required protein हमने detect करी है. तो steps सबके same हैं, थोड़ा सा difference है कि उसमें molecules का और इसमें जो है कि हम एक step जो है वो और variable है. This is the separation of through gel electrophoresis. ठीक है, उसके बाद जो है हम ट्रांसफर करेंगे ब्लॉटिंग टैंक में. उसके बाद जो है इसमें जेनेरिक कोई फ्री स्पेसिस को फिलअप करने के लिए कोई जेनेरिक प्रोटीन अटैच कराएंगे. फिर हम रेडियो लेबल जो है या फ्लोरिसेंटली लेबल जो एंटीबॉडीज जो है वो अटैच करवाएंगे उसके ऊपर. और ये जो है अपनी रिक्वायर्ड एंटीजन जो है हमारी टारगेट जो प्रोटीन है उसके साथ जाके सिर्फ अटैच होगी. ठीक है, उसके बाद हम ऑटो रेडियोग्राफी बाई यूजिंग रेस हम ये पैटर्न जो है वो अपनी एक्स्ट्रा शीट पे उतार लेते हैं. ठीक है, जिसको हम ऑटो रेडियोग्राम कहते हैं. ये हमारे जो है रिक्वायर्ड प्रोटीन जो है वो शो कर दिस वन. ये मार्कर्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, मार्कर्स इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि जो भी मॉलिक्यूल हमारा अटैच हो उसका साइज, अगर वो एक बैंड के सामने आ रहा है तो इस बैंड का प्रॉपर साइज हमें पता होता है. ठीक है, तो वो उस साइज के सामने आ रहा है तो मतलब उसका साइज भी ये है. तो ये हमें साइज के बारे में जो है वो बता देते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं तो उसका साइज. एप्लीकेशंस इसकी क्या है? ऑब्वियस टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की डिटेक्शन के लिए यूज हो रहा है. देयर मैसेस, हम उनका मैस चेक कर सकते हैं. इसके अलावा डिफरेंट डिजीजेस हैं जिनमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनती है, तो उन डिजीजेस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक. अब कौन सी एच आई वी कन्फर्मेटरी टेस्ट है ये? ठीक है, उसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स. तो उन एंटीबॉडीज के डिटेक्शन के थ्रू हम एच आई वी को डिटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी, पता है ये कौन सी डिजीज होती है? ये बेसिकली ब्रेन डिसऑर्डर है. इसमें ब्रेन में एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती हैं जिनको प्रियॉन्स कहते हैं. ठीक है, और ये जो है ये बेसिकली एनिमल्स से जो है ह्यूमंस में आती है. पाओ से जो है, पाओ एक अगर इन्फेक्टेड हो, ठीक है, अगर उनमें प्रियॉन प्रोटीन्स हो और वो प्रॉपर मीट कुक ना हुआ हो और वो ह्यूमंस कंज्यूम कर ले, तो वो प्रोटीन्स जो है एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो है ब्रेन को इफेक्ट करती हैं. फिर ह्यूमन ब्रेन भी जो है वो प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है. इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, 7 to 10 years आफ्टर ईटिंग दैट जो है प्रियॉन्स प्रोटीन, एबनॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन्स. ठीक है, तो उसके बाद जो है ह्यूमन ब्रेन में भी वो एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट फिर ब्रेन जितनी भी सिम्टम्स हैं अपीयर होना शुरू हो जाती है और न्यूरोसाइकेट्रिक जितनी भी सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाती है. इसके अलावा लाइम डिजीज को चेक कर सकते हैं. लाइम डिजीज क्या है? बेसिकली
ये एक प्रोटोजोअल और बैक्टीरियल डिजीज है. बेसिकली ये टिक्स के थ्रू, जो टिक्स इंसेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू जो है ट्रांसफर होता है ये बैक्टीरिया, ठीक है. और फिर जो है ये रैश उसमें डेवलप होती है, उसके बाद इसका एक प्रॉपर इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसके बाद ये साइकेट्रिक सिम्टम्स भी डेवलप करता है, ठीक है. और इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो है वो बनती हैं बॉडी में, एंटीबॉडीज बनती हैं, उनको जो है एंटीजेंस बनती हैं, स्पेसिफिक एंटीजेंस भी होती हैं, तो उनको हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक. तो दिस इज द जो टेक्निक्स हैं बेसिकली हमारी आज का टॉपिक. ये बेसिक कोई स्टेप्स बताएं. हाँ जी बेटा कोई क्वेश्चन है मैम? ये लेक्चर मिड में नहीं है ना, ये तो लेक्चर 20 है. हाँ जी 20 है लेक्चर नंबर मैम. ये मिड में तो नहीं ना इंक्लूडेड? ये मिड में नहीं है. मिड में नहीं, मिड के सिलेबस तो मैं आपको बता दिया ना. यस मैम. मिड में कोई सिलेबस होगा, बाकी अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं ये मिड में नहीं है. ओके मैम. ये इसको कंप्लीट कर लो प्लीज. दिस इज द बेसिक स्टेप्स बताए हैं जितनी भी ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं उन सब के, ठीक है. बेसिक प्रिंसिपल दैट फर्स्ट वन इज द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स कोई भी डीएनए आ रहे हैं या प्रोटीन, ठीक है. उसके बाद क्या है, ट्रांसफर टू द मेम्ब्रेन इन द ब्लॉटिंग स्टार या ब्लॉटिंग टैंक. उसके बाद उस मेम्ब्रेन के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है. हाइब्रिडाइजेशन वो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब्स हो सकते हैं या फिर फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है. उसके बाद हम उसकी डिटेक्शन कर लेते हैं बाय यूजिंग ऑर्थो रेडियोग्राफी, और इस तरह से हमारा बैंड शो होता है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी. सो अब कोई क्वेश्चन है इस टेक्निक में तो पूछ लो. ब्लॉट बेसिकली जिस मेम्ब्रेन पे हमारे फ्रेगमेंट्स ट्रांसफर करते हैं ना, उसको अपने हम ब्लॉट भी कह सकते हैं उस मेम्ब्रेन. हाँ जी बच्चों आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? समझ आ गई है टेक्निक? ये सुनाई नहीं? समझ आ गई है. ये पूरे इन फर्स्ट सेक्शन ए में सब बच्चों के एब्सेंट मार्क हुई है क्योंकि ये सब सो रहे थे, इन सब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. हाँ जी आज आप लोगों के साथ भी यही होगा. आज वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है ना वो प्रोटीन्स के लिए, नहीं ब्लॉट कोई भी, चाहे वो सॉर्टिंग में यूज हो रहा है नॉर्मल, जिसमें ब्रेन पे हम अपने फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं नाइलोन या नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर, तो उनको जो है हम ब्लॉट कहते हैं, कह सकते हैं. कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सिलेबस कम नहीं होगा बच्चों. आप देखो मिड्स में अभी टाइम है, आप लोग इतने भी कोई लेक्चर नहीं है, सिलेबस कम नहीं होगा भाई. सेक्शन ए भी में आप सब सेक्शन का है, उन्होंने कहा जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं आप लोग में पढ़ने वाले बच्चे ही हो, आप लोग पढ़ो इसको अच्छे तरीके से, सिलेबस ही होगा. अच्छा नेक्स्ट जो है मैंने पहले भी अनाउंस किया है कि मतलब जो लास्ट टू एक्टिविटीज हुई है ना, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो प्रॉपर या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए होंगे, ठीक है. वो हम दोबारा पढ़ेंगे, वो मैंने रिवाइज करने थे बस आप लोगों की एक्टिविटी. अच्छी बात है ना, थोड़ी मेहनत करने के आगे पहला वाला मुश्किल था. हाँ जी वो मुश्किल था, इसलिए हम उसको दोबारा से मैं उसको जो पढ़ाऊंगी आपको दोबारा से उसमें से स्टार्ट करके पीपीटी बना के, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट टू लेक्चर जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है. इसके बाद जो है मेड से पहले आपकी जो है वो रिवीजन क्लास, अगर कोई रह गई बाकी मेड से पहले कोई रिवीजन क्लास हो जाएगी, जिसमें अगर आप लोगों को कोई टॉपिक उन मेड्स के सिलेबस में समझ नहीं आ रहा तो आप लोग वो समझ लेना, ठीक है. बाकी जो आपका लेक्चर है एक दो है वो मेड्स के बाद होगा, ठीक है. और सेकेंड आपको लोगों के एक असाइनमेंट रहती है वो भी मिड्स के बाद होगी, मिड के बाद होगी. अब मिड्स पे फोकस करो आप. मैं भी लेक्चर आप एक नहीं रहने दें, आप उसको बीच ही कर लें, मतलब वन से स्टार्ट कर लें. नहीं नहीं वन से नहीं, आप लोगों को ये वो आप लोगों के एक दफा रिवाइज हो चुके हैं, अब आप नेक्स्ट जो एक दफा रिवाइज करो. आप लोगों को फाइनल्स में इजी होगा, आप लोगों ने आगे फिर कंप्लीट सिलेबस का वाइवा देना है, फिर कंप्लीट सिलेबस का रिटन एग्जाम देना है.
तो अभी सात आठ लेक्चर भी करो पैटर्न अभी तक जो है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉलिसी होगी वो जैसे भी बताएंगे कि हम सिर्फ एमसीक्यू या एससीक्यू पे हैं या दोनों कंबाइन करके बता दें कि मैम ने तो बता दिया है उन्होंने कहा 50 एमसीक्यूज वो डिपेंड करता है वैसे मतलब एक बेसिक पॉलिसी होती है ना कि हमने सिर्फ एमसीक्यू लेने हैं या दोनों मिक्स करने एमसीक्यू एससीक्यू तो वो मैं आपको कंफर्म करके फिर बता दूंगी वो आगे डिपेंड करते हैं कि हमने 50 रखने 30 रखने या कितने रखने हाँ जी आप लोगों के नेम नोट कर दीजिए आप लोग अपने एक रजिस्टर पे नेम जो है वो अपने लिख लो हाँ जी बच्चों आप लोगों को समझ आ गई लेक्चर यस मैम सो ऐसा नहीं है वैसे नो मैम अच्छा तो चेक करते हैं जरा कुछ बच्चों को मैं रैंडमली चेक करूंगी उसके बाद देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है आपका मोहम्मद नदीम जो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उनके एब्सेंट मार्क हो गया यस मैम हां जी मोहम्मद नदीम क्या पढ़ा हमने मोहम्मद नदीम हमने क्या पढ़ा आज का टॉपिक सुना ही नहीं से बाहर किया मैं आप लोगों से भी पूछ सकती हूँ से बाहर किया अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आप लोगों की एब्सेंट मार्क होगी दिस इज द रिस्पॉन्स दो बच्चों को चेक किए दोनों जीरो एब्सेंट इरशा नदीम यस मैम हाँ जी बच्चे क्या पढ़ा हमने आज मैम आज हमने ब्लॉटिंग पढ़ी है साउथ वेस्टर्न और नॉर्थ ब्लॉटिंग टेक्निक पढ़ी कौन को कोई एक टेक्निक का नेम बताओ ब्लॉटिंग टेक्निक में से सॉर्टिंग टेक्निक उसमें हम डीएनए चेक करते हैं मोहम्मद यासीन अभी वो जो है वो भी वही है वो भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पे है बरीहा अनवार किसी को चेक करना चाहते हो आप लोग इनमें से सारा सजाद उसामा अहमद ये सब सोए होते तुम लोग इस माइंड में सुबह सुबह तो नहीं है ऐसे उसामा अहमद आई थिंक जो मुझे फर्स्ट लेक्चर से ये रूल रखना चाहिए था ताकि आपको एंड पे सुन के आप लोगों के एब्सेंट मार्क वनीजा नसीर
Vanisa Naseer. Yes, ma'am. हाँ जी बट क्या कर रही थे आप इतना लेट रिस्पॉन्स किसी ने उठाया नहीं नहीं मैम किसी को नहीं उठाया अच्छा क्या पढ़ा है हमने आज के टॉपिक में हाँ जी वनीसा क्या पढ़ा है हमने आज हाँ जी नहीं सुना बदल रहा हूँ पहले कितने स्टूडेंट्स थे 59 बदल रहा हूँ माहम त्याज सब सुन रहे हैं माहम त्याज निशा फजल निशा फजल हाँ जी बेटा क्या पढ़ा हमने आज आज हमने प्लॉटिंग टेक्निक्स पढ़ी है जी प्लॉटिंग टेक्निक्स पढ़ी है जी कौन कौन सी होती है इसमें टेक्निक्स में किस किस को डिटेक्ट करते हैं बस हाइब्रिडाइजेशन आपने मतलब इसमें वो किया है कि हम एक डीएनए मैंने पूछा है ब्लॉटिंग टेक्निक में हम कौन से मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं मैम पूछ लेते हैं उससे पूछ लेते हैं नायाब सुरेन सोया होगा पता है आप सबको होगा नायाब सुहेल परवा रिजवान Yes, ma'am. हाँ जी बेटा क्या पढ़ा हमने आज मैम हमने आज ब्लॉटिंग टेक्निक्स पढ़ी है किसके लिए यूज होती है मैम हम इसमें डिटेक्शन करते हैं डीएनए आरएनए या प्रोटीन्स की ठीक है चलें बस जिनके अच्छे मार्क होने थे बस हो गई आप लोग जो है काइंडली उठ के थोड़ा सा लेक्चर ले लिया करो नहीं तो ऐसे ही होगा कि लेक्चर और सिलेबस बहुत ज्यादा है अगर आप लोग साथ साथ पढ़ते तो सिलेबस ज्यादा नहीं था ठीक है अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लो अभी भी मैम आपने का वो नहीं बताया ये पैटर्न बेटा पैटर्न मैंने अभी नहीं बताया आप लोग जो सिलेबस है आप लोग अपना प्रिपेयर करो उसी में से होगा सिलेबस जो पैटर्न है मैं एक दफा करके फाइनल एग्जामिनेशन कमेटी से फिर आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैम जो आपने असाइनमेंट की बात की है मिड के बाद लेंगी जो एक और असाइनमेंट आपकी मिड्स के बाद होगी अभी आप लोग मिड्स पे फोकस करो अपने क्लास एक्टिविटीज आपकी क्लास पार्टिसिपेशन में इंक्लूड आप लोगों की जो क्लास एक्टिविटीज हुई है आप लोगों की वो क्लास पार्टिसिपेशन में इंक्लूड होंगी ठीक है अगर किसी ने नहीं कराई अभी तक तो वो अभी भी करा दें क्योंकि वो लेट सबमिशन में चला जाएगा बट आप लोगों की एक्टिविटी जो है सबमिट हो जाएगी
चलिए ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।